मुंबई दादर के पीर बगदादी शाह का धूमधाम से निकाला गया संदल। صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ ہو کرم میرے بغدادی شاہ ہو نور سا। एक सौ पैंतीसवें उर्स के अवसर पर हजरत सैयद पीर बगदादी शाह का संदल बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहकर बाबा से दुआ सलामती की अपील की। वहीं इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़े ही सादगी से चादर पेश की गई। देखिए मुंबई के दादर स्थित पीर बगदादी शाह दरगाह शरीफ की एक रिपोर्ट। मुंबई दादर स्थित कबूतर खाना के जो कहा जा सकता है पीर बगदादी शाह का मजार शरीफ है, वहाँ हम उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से जो है आज 135वां उर्स के अवसर पर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कुछ ही समय में कहा जाए तो ये यहाँ से संदल निकलने वाला है इनका 135वें उर्स के अवसर पर। ये हम आपको बताना चाहेंगे, पीर बगदादी बाबा जो कि पीर सैयद फ़तेह अली आफंदी बिन पीर सैयद अहमद आफंदी जिलानी, यानी कहा जा सकता है पीर बगदादी शाह का जो है 135वें उर्स के अवसर पर एक संदल निकालने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, ये जहां तक की बात की जाए दादर स्थित कबूतर खाने की, तो कबूतर खाने में ही कबूतर खाने के बिल्कुल समीप ये मजार शरीफ है पीर बगदादी शाह का। वहीं तमाम लोग या अगर कहा जाए तो दुआ के लिए यहाँ आते हैं और इनके फरियादी यहाँ आते हैं और ज़रूर यह कहा जा सकता है कि इनकी दुआएं जो है कबूल की जाती है बाबा के द्वारा। नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ कहा जाए बाबा के इस संदल में काफ़ी संख्या में लोग लंगर में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह नज़ारा है बाबा बगदादी शाह का के मज़ार का नज़ारा है, जहां जो है लंगर के रूप में सारे लोग जो है खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। करीब कहा जाए तो सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में लोग यहां आते हैं और हर साल उर्स के अवसर पर, हालांकि इस बार 135वां उर्स है, इस अवसर पर यहां करीब हज़ार की संख्या में लोग लंगर का आनंद उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हमारे बीच यहाँ अगर लंगर की कुछ व्यवस्था अगर की जाए इतनी बड़ी संख्या में जो तादाद यहाँ पहुँचती है, इतने लोगों का एक लंगर का इंतज़ाम करना अपने आप में काबिले तारीफ है। वही हमारे बीच मौजूद हैं जो लंगर चलवाते हैं, यानी कहा जाए कैटरस के मालिक हमारे बीच मौजूद हैं जिनका लंगर यहाँ है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ है। सर आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। आप किस कैटरस से हैं? क्या जमजम कैटरस से। आज करीब कितने लोगों का लंगर आपके द्वारा दिया जा रहा है? आज लंगर हमारे लगभग 1500 से 1800 लोगों का है। कितने सालों से करते हैं? हमेशा हम करते हैं। क्या करिश्मा कहा जाए बाबा का आपके ऊपर? ये बस बाबा का ही करम है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हाथों में अल्लाह ने लज्जत रखी और इस वजह से हम जो भी खाना बनाते हैं अल्लाह का फजल रहता है उसमें। अच्छा सर, तो आप मोहम्मद साहब थे जो कि कैटरस के जमजम कैटरस के मालिक, हालांकि काफ़ी फेमस कैटरस है जमजम कैटरस। हम आपको बताना चाहेंगे माहिम का बहुत ही प्रचलित कैटरस में से एक नाम जसमील मिल रोड पे स्थित है ये जमजम कैटरस, जहां करीब कहा जाए तो जसमील मिल रोड जो कि माहिम ईस्ट का इलाका है, जहां कैटरस के मालिक स्वयं नूर मोहम्मद साहब, जिनका यह कहना है कि बगदादी शाह जो कि हैं एक इनके रहम करम से ये सारे लंगर चला करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी इनके द्वारा लंगर यहाँ लगाया गया है, जहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं खाना खाते हुए।
बगदादी शाह का जो है वो चंदल संदल पेश किया जा रहा है। ये चादर पेश करने के लिए मजारे शरीफ पर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े ही हर्षोल्लास से कहा जाए तो ये चादर पेश किया जा रहा है मजारे शरीफ पर पीर कहा जाए बगदादी शाह का। ये एक नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये दादर के इस ट्रस्ट का एक नज़ारा है जहां 135वें उर्स के अवसर पर जो है संदल पेश किया जा रहा है, यानी चादर जो है मजारे शरीफ पर चादर जो है वो पेश किया जा रहा है इनके द्वारा। और एक देखिए एक क्रमबद्ध तरीके से, हालांकि कहा जाए अन्य जगहों पे जो देखने को मिलता है काफ़ी शोरगुल दिखाई देता है, लेकिन वहीं आज जो है यहाँ बड़े ही सादगी से पेश किया जा रहा है ये संदल का कार्यक्रम। यानी संदल निकाला जा रहा है, चादर पेशी की जा रही है मजार शरीफ पर बाबा बगदाद शाह के, जो पीर बगदाद शाह का जो ये नज़ारा है ट्रस्ट का, वहाँ जो हम आपको दिखाना चाहेंगे इस मस्जिद में। धीरे धीरे लोग जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है चादर पेशी के लिए जाते हुए दिखाई दे रहा है। यह है दादर का बगदादी शाह ट्रस्ट शाह जो है दरगाह, जहाँ जो है चादर पेशी का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से थाल लिए हुए चादर का और चादर पेशी के कार्यक्रम किया जा रहा है। हम आपको ये भी बताएं बड़े ही शांत प्रिय तरीके से, यानी कि कोई भी शोर शराबा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से जो चादर पेशी का कार्यक्रम किया जा रहा है बगदाद शाह, जो कि कहा जाए दादर के कहा जाए तो शहंशाह कहे जाते हैं बगदाद शाह, वहीं आज चादर पेशी का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये नज़ारा है बगदाद शाह दरगाह का, जहां जो कि मुंबई के दादर के बीचों बीच यानी कबूतर खाना के समीप स्थित है। आपने देखा मुंबई के दादर स्थित जो बगदादी बाबा शाह का जो है संदल बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। 135वां उर्स के अवसर पर यह संदल निकाला गया, जहां काफ़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए। वहीं लंगर का भी आयोजन किया गया था, इसमें काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोगों ने लंगर को ग्रहण किया। वहीं आप देख सकते हैं ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये प्रवेश द्वार था, क्योंकि पीर सैयद फ़तेह अली आफंदी बिन पीर सैयद अहमद आफजी जिलानी, ये कहा जाए ये बगदादी बाबा जिनका जो है बड़े ही हर्षोल्लास से हर साल की तरह इस वर्ष भी जो है संदल निकाला गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ शरीक होकर बाबा के दुआ सलामती की अपील की बाबा से। वहीं जो कहा जा सकता है कि फरिश्ता बनकर बाबा जो है सारे लोगों की दुआ जो है कबूल करते हैं। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।